आज की ट्रेन जर्नी 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स दोस्तों अपलोड करने के बाद अब वक्त आता है वापस लॉन्ग जर्नी विद कमेंट्री का। और फिलहाल दोस्तों आज हम लोग चलाने वाले हैं अमरकंटक एक्सप्रेस, जो कि चलती है दुर्ग से लेकर भोपाल तक। और ये जर्नी हम लोग करेंगे इटारसी से लेकर ओबैदुल्ला गंज या फिर हबीबगंज तक। तो जैसे जैसे रूट का वर्जन अवेलेबल होता है वैसे वैसे हम लोग जर्नी करेंगे। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि यार जर्नी अभी करनी चाहिए, बहुत दिन हो गए। लास्ट टाइम हमने जर्नी की थी लॉन्ग जर्नी विद कमेंट्री वाली, वो थी पार्ट 3 ऑफ इंटरसिटी एक्सप्रेस, पुणे मुंबई इंटरसिटी एक्सप्रेस, जहाँ पर मैंने आपको घाट सेक्शन दिखाया था नाइट में। तो डे जर्नी भी दोस्तों उस रूट पर करनी है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टाइम बहुत ही कम मिलता है इसलिए यार, और इसलिए दोस्तों इन कुछ दिनों से मैं शॉर्ट्स ही ज़्यादा तक अपलोड कर रहा था, शॉर्ट्स और कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस। और फिलहाल दोस्तों सामने से आ रही है एक LHB ट्रेन, आपको दिखाई दे रही है वैपफाई के साथ है, शायद BRC वैपफाई, कौन सा है पता नहीं, वैपफाई तो है, एक LHB ट्रेन के साथ जा रहा है, क्रॉसिंग हो रही है हमारी ट्रेन के साथ। तो यहाँ पर एक रेड LHB ट्रेन और ये मिक्स्ड ICF अमरकंटक एक्सप्रेस। और इसमें दोस्तों यार कुछ कोचेस उत्कृष्ट है, कुछ कोचेस ICF ब्लू में। तो यार ये मुझे इंडियन रेलवेज का जुगाड़ मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार, करना है ना रेक पूरा, तो पूरा रेक उत्कृष्ट करो ना यार, आधे कोचेस ICF ब्लू आधे कोचेस उत्कृष्ट, इसमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल, ये मुझे पता नहीं है दोस्तों। और इसके पीछे क्या रीज़न है यार मुझे बिल्कुल नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो यार कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो आज का ये लोकोमोटिव है हमारा गाज़ियाबाद का VAP 7, और इस VAP 7 के साथ जर्नी हम लोग इटारसी जंक्शन तक ही करने वाले। कुछ समय में हम लोग इटारसी जंक्शन दोस्तों पहुंचने वाले हैं। तो इटारसी जंक्शन पहुंचने का टाइम है हमारा 8:20 पर। तो ये दुर्ग से चलती है 6:00 के आसपास, 6:20 के आसपास चलती है, और आपको दूसरे दिन 10:30 पहुँचाती है भोपाल जंक्शन, भोपाल पहुँचाती है दोस्तों आपको। और ये आप देख सकते हैं ये हमारी रेक। तो रेक की अगर बात करें तो इसमें 13 नॉर्मल स्लीपर के कोच है, बाद में 1, 2, 3 AC 3 टायर है, 2 AC 2 टायर है, 1 फर्स्ट AC है, 2 जनरल क्लास है, 2 SLR यानी कि गार्ड के लिए कोच और बाकी अन्य लोगों के लिए, और एक पार्सल वैन भी है दोस्तों पीछे, तो आगे जाकर देख लेंगे दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ कोचेस रहते हैं इस ट्रेन को वो है 23+1 24, जो 24 वाला है एज मैंने पहले भी बताया वो है पार्सल कोच, और रेगुलरली दोस्तों कोच नहीं रहता है वो, आज है इस ट्रेन को वो कोच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 WDM2 खड़े हैं इटारसी जंक्शन के आउटर पर, WDM2 रोड नंबर है 017675, WDM2 LKO शेड़गा, और उसके साथ में खड़ा है रतलाम का WDM2, रोड नंबर क्या है ज़रा देख लेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या है, 17677 WDM2 रतलाम शेड़गा। तो मध्य प्रदेश के लोकोमोटिव है दोस्तों आप देख सकते हैं, और बगल से जा रही है हमारी अमरकंटक एक्सप्रेस। तो ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है दोस्तों। अभी आप बोलेंगे कि यार तुमने थंबनेल में तो WDP 4D दिखा है और यहाँ पर तुम हमें VAP 7 के साथ जर्नी दिखा रहे हो, तो यार रुको ज़रा सबर करो। तो इटारसी जंक्शन पर दोस्तों लोको चेंज होते हैं यानी कि लोको रिवर्सल होता है। तो दोस्तों ये लोको चेंज वाला एक्ट करने का मेरे दिमाग में आया क्यों मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यार जब हम चोलान एक्सप्रेस की जर्नी कर रहे थे तो चोलान एक्सप्रेस जो लॉन्गेस्ट जर्नी विद कमेंट्री हमने की है ट्रेन सिम गेमिंग पर, पूरे ट्रेन सिम्युलेटर पर सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी है दोस्तों चोलान एक्सप्रेस की कमेंट्री के साथ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यार मेरे दिमाग में आया था कि यार मैं आपको VAP 4 और WDP 4 का वो लोको चेंज वाला एक्ट दिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों एनवायरनमेंट काफ़ी हाई ग्राफिक्स एकदम हाई रियलिस्टिक होने के कारण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा था, तो पॉसिबल नहीं हुआ दोस्तों लोको चेंज वाला एक्ट दिखाने को। तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली मैंने WDP 4 को कपल किया था ट्रेन से, तो वही बात दिमाग में दोस्तों मेरे थी। तो मैंने सोचा यार अभी ये एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छे से है तो सोच लिया जाए आपको दिखाई दूँ। और आप देख सकते हैं ये हमारा पार्सल कोच जो आज इस ट्रेन के साथ है 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस।
सुपर फास्ट एक्सप्रेस है दोस्तों, एज मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ, बाद में थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ भी करूँगा जैसे जैसे एनवायरनमेंट लोड होता है, क्योंकि आगे जाकर हमें बहुत सारे ट्रैक्स हमें चेंज करने जब हम इटारसी जंक्शन एंटर करेंगे, इसलिए तो काफ़ी अच्छे से दोस्तों रूट बनाए गए ट्रेन गेमर्स आदित्य की तरफ से। तो ये वर्जन 2 है दोस्तों, इसका वर्जन 2 उन्होंने रिलीज़ किया था इटारसी से लेकर होशंगाबाद तक, और वर्जन 2 इटारसी से लेकर उबैदुल्लागंज तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं और इटारसी जंक्शन थोड़ी समय में हम लोग पहुँचने वाले दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आज का लोकोमोटिव है हमारा गाज़ियाबाद का WAP-7, ये भी एक्चुअली हम लोग ऑफ लिंक लोकोमोटिव कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। WAP-7 लोकोमोटिव तो है ही, लेकिन गाज़ियाबाद शहर का दोस्तों। और रेगुलरली अगर हम बात करें तो बिलासपुर या फिर और किसी शहर का ले सकते हैं, ठीक है। गाज़ियाबाद WAP-7 हम लोग ऑफ लिंक लोकोमोटिव कंसिडर कर सकते हैं और नहीं भी, और वैसे भी ठीक है, WAP-7 है, WAP-7 अपनी जगह है। और ये लोकोमोटिव चेंज का जो है इस ट्रेन का अगर हम बात करें तो दुर्ग से बिलासपुर एक वहाँ पर लोकोमोटिव चेंज होता है, बाद में बिलासपुर से लेकर इटारसी से और इटारसी से लेकर भोपाल तक एक लोको चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इटारसी आउटर पर एंटर करते ही हमें एक मालगाड़ी दिख रही है, और ट्रेन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड पे पीछे हम लोग देखा कि 2-3 ICF कोचेस थे, ICF स्लीपर था, ICF चेयर कार और नॉन AC चेयर कार, और एक AC 3 टायर स्लीपर का कोच था आउटर में। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं इटारसी जंक्शन। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हम लोग 2-3 मिनट पहले पहुँचने वाले, ना कि डिले होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, बगल में बिल्डिंग्स है, और वहाँ पर एक फिर से LHB रेक को आइडल पोजीशन में खड़ा किया गया है। और धीरे धीरे हम लोग इटारसी जंक्शन एंटर कर रहे हैं, तो 8:20 हमारा पहुँचने का टाइम है इटारसी जंक्शन, शायद हम 1-2 मिनट पहले पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर आउटर्स में है, मेन स्टेशन तो अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, तो धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों खड़ा है एक EMD ट्राइकलर लोकोमोटिव है, WDP-4 TKD शेड का है शायद, WDP-4 ट्राइकलर। और इसका भी दोस्तों हमने एक स्पेशल वीडियो किया था रिपब्लिक डे के दिन, अगर आपको याद होगा तो, नहीं देखे हैं तो चेकआउट कीजिए, चैनल वीडियोस लिस्ट में है दोस्तों। और पिछले हफ्ते में बहुत सारे दोस्तों ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने अपलोड किए, और आई होप वो सारे आपको यूज़फुल हुए होंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था दोस्तों आप लोगों से। और यहाँ पर हमें मिला है एक WDP-4D, तो इसी के साथ आज हम लोग दोस्तों आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर P4 भी है दोस्तों, WAP-4 है, आप देख सकते हैं P4 फॉन्टेड है, और बगल में वो LHB ट्रेन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ पर ट्विन WAP-7 लोकोमोटिव भी है, कौन से शेड के है पता नहीं, ठीक है रहेंगे कौन से तो शेड के, इसमें कौन सी नई बात है, यूजुअली रहेंगे आसपास के शेड के। और दोस्तों अगर आपको मैं सच बताऊँ ना, तो यार मेरे दिमाग में इस जर्नी को करना बिल्कुल, मतलब पहले मैंने डिसाइड किया ही नहीं था, तो ये तो ऑन द स्पॉट मैंने दोस्तों ये जर्नी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या सोचा कि यार रूट अवेलेबल है, बाद में रिसेंटली दोस्तों WDP-4D भी लॉन्च हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं सोच लिया जाए यार अभी टाइम मिला ही है तो क्यों ना इस जर्नी को पहले की जाए। तो इसके पहले मैंने 2 ट्रेन और सेट की थी, मतलब मेरा जो शेड्यूल मैंने बनाया था लॉन्ग जर्नी विद कमेंट्री में, उसमें 2 नई ट्रेनें मैंने सेट की थी अलग अलग रूट पर, तो मैं सोचा कि इसके पहले वही कर दूँ, लेकिन बाद में मेरा डिसीजन बदल गया और मैंने इसी ट्रेन को आपके सामने लाया। तो उम्मीद है आपको दोस्तों आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, अभी तो सिर्फ 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, आगे बहुत सारी जर्नी बाकी है, बहुत सारी बातें करनी बाकी है। तो हमेशा की तरह कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो यानी गेम प्ले को, और अपने राय अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइए। और एकदम से हमारी
स्पीड हो रही है 18 किलोमीटर के आसपास पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं इटारसी जंक्शन। आप देख सकते हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी है, वहाँ पर पीछे आसनसोल वैम फोर खड़ा था, शायद आसनसोल वैम फोर और गाज़ियाबाद का P1 यानी कि वैप 1 खड़ा था। और आप देख सकते हैं ये हमारा है इटारसी जंक्शन कुछ इस प्रकार। और इटारसी जंक्शन से हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स अगर होंगे तो यार बता दो कमेंट्स में कि यार आपके जो आपका जो देखने का नज़रिया है उसी प्रकार से स्टेशन को बनाया है कि नहीं, ताकि मैं भी जान सकूं, क्योंकि रियलिटी में इटारसी जंक्शन में विज़िट नहीं किया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों। और काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग किया गया है, आप देख सकते हैं इटारसी जंक्शन यहाँ पर स्टेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये TLW का काफ़ी मस्त फीचर है दोस्तों। और एक और ऐसा एक फ़ीचर मैं TLW से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो है ट्रेन के जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो कोच पे बोर्ड्स रहते हैं, यानी कि आज जो हमारा ट्रेन है 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों कि ट्रेन के जो बोर्ड्स हैं वहाँ पर ऐसे एडिट कर सके जैसे हम लोग यहाँ पर स्टेशन बोर्ड्स एडिट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फीचर मैं TLW से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर जल्द आता है तो ठीक है, ट्राई करेंगे, देखते हैं कब आता है। और हम लोग एकदम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं स्टेशन, टाइम हो रहा है 8:17। तो जैसे मैंने पहले बताया हम लोग अर्ली आने वाले हैं स्टेशन, तो हम लोग आ चुके हैं अर्ली। और यहाँ पर इटारसी जंक्शन पर हमारा है 10 मिनट का हॉल्ट। तो 10 मिनट का हॉल्ट अब तक तो आप समझ गए होंगे क्योंकि लोको चेंज है, और 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। और लोकोमोटिव आगे नहीं रहने वाला, नहीं कि पीछे रहने वाला है, ठीक है, पीछे रहने वाला लोकोमोटिव दोस्तों इस पार्सल वैन के पीछे, WDP-4D जो हमने पहले देखा था यहाँ पर आउटर्स में, इटारसी का WDP-4D, और वही लोकोमोटिव आज हम लोग उसे कपल करने वाले हैं अमरकंटक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12853। तो दोस्तों अब हम सक्सेसफुली इटारसी जंक्शन एंटर कर चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एकदम धीमे धीमे स्पीड में एंटर कर रहे हैं, ना कि हम लोग ऐसे हाई स्पीड में आए और स्टेशन पर ऐसे ब्रेक मारे, वैसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और सक्सेसफुली हम इटारसी जंक्शन पहुंच चुके हैं और सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है दोस्तों, और पता नहीं क्यों लेकिन हुआ तो है। और जो आप दोस्तों स्टेशन पर अनाउंसमेंट जो आप सुन रहे हो ना अमरकंटक एक्सप्रेस की, तो ये पहले से ही गेम प्ले में नहीं था दोस्तों, ये ऊपर से मैंने एडिट करके ऐड किया है। तो कुछ सब्सक्राइबर्स सोचेंगे कि भाई तुमने स्टेशन पे अनाउंसमेंट कैसे ऐड किया दोस्तों, तो स्टेशन पे दोस्तों ऑलरेडी अनाउंसमेंट एडिट नहीं है, जो आप सुन रहे हो वो मैंने एक्चुअली ऊपर से ऐड किया है, एडिट किया है आसान शब्दों में कहने जाए तो। और अब बारी आती है वैप 7 को डीकपल करने की, और जाएंगे हम WDP-4D के पास। तो ये सक्सेसफुली दोस्तों डीकपल हो चुका है, इस लोगों को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि ये हमारे साथ पीछे वापस ना आए, और इसकी ड्यूटी अभी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। और अब दोस्तों ड्यूटी करने की बारी आती है WDP-4D। आप देख सकते हैं वहाँ पर एंड वाले प्लेटफॉर्म पर एक हमसफ़र एक्सप्रेस भी आइडल पोजीशन पे खड़ी हुई है। तो इटारसी जंक्शन पर कौन सी हमसफ़र एक्सप्रेस आती है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो ज़रा कमेंट्स में बता देना दोस्तों। और जाएंगे अभी WDP-4D के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं WDP-4D इटारसी शेड जो हमने आउटर पर इसके साथ विज़िट किया था वैप 7 के साथ, गाज़ियाबाद वैप 7 के साथ, उसी के साथ फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। और अभी इसी को हम लोग लेके जाएंगे इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और अमरकंटक एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन नंबर 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस को हम इस लोको को हम लोग कपल करेंगे। और WDP-4D की अगर हम बात करें तो ये ड्यूअल कैब EMD लोकोमोटिव है दोस्तों इंडियन रेलवेज़ का। और दोस्तों ये WDP-4D लोकोमोटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ है द लर्निंग वेज की तरफ से, और मैं द लर्निंग वेज को पूरे ट्रेन सिम गेमिंग फैमिली की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इस लोकोमोटिव को रिलीज़ किया। तो पहले भी आपने इस लोकोमोटिव को रिलीज़ किया था अपने लाइब्रेरी में, यानी कि द लर्निंग वेज TLW के लाइब्रेरी में नवंबर महीने में WDG-4D और WDP-4D एक साथ ही लॉन्च किए थे, और तभी ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इंडियन लाइब्रेरी में भी एक्सपेक्ट करोगे। और यहाँ पर मैं जानता हूँ दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुम DCC मोड में क्यों चला रहे हो, तो आप देख सकते हैं ये कैब मोड मैंने ऑन किया है, तो कैब मोड और DCC मोड में दोस्तों आप देख सकते हैं तो ये हॉर्न जो है जो मुझे सेकेंडरी हॉर्न बजाना रहता है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया स्क्रीन पर,
तो बस सेकेंडरी हॉर्न का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, मुझे वापस ऊपर जाके हॉर्न बजाना पड़ता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मुझे बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा सेकेंडरी हॉर्न, इसलिए दोस्तों आज सोचा कि डीसीसी मोड में ही चलाया जाए ताकि इजीली मुझे सेकेंडरी हॉर्न बजाने में हो। तो आज बहुत सारी दोस्तों हॉकिंग आपको सुनाई देने वाली है, वैप 7 की भी आपने सुनी होगी, काफ़ी अच्छा सेकेंडरी हॉर्न है दोस्तों। तो सेकेंडरी हॉर्न मतलब वो रिंग बेल है, वो कोई ओरिजिनल लोकोमोटिव का हॉर्न नहीं है जो द लर्निंग बेस्ट है। जो ऑफिशियल हॉर्न है द लर्निंग बेस्ट का वो तो है ही इसमें, और सेकेंडरी हॉर्न जो है वो ऐड किया है, यानी कि द रिंग बेल, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिए, अगर कुछ लोग मतलब समझेंगे कि यार तुमने हॉर्न को एडिट कर दिया है, तो हॉर्न नहीं है वो रिंग बेल है, और हॉर्न जो है वो ओरिजिनल है दोस्तों। और ये EMD का साउंड काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और टेक्सचर की अगर हम बात करें EMD की, यानी WDP4D, तो काफ़ी अच्छा शाइनी लोकोमोटिव है इटारसी शेड का। और ERS का मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वो रेड कलर लाइब्रेरी में। और यहाँ पर फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं ट्विन वैप 7 के साथ। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि यार ये जो कोवल की जो ये ट्रेन खड़ी है वैप 7 के बिल्कुल बगल में, तो यहाँ पर यार इलियोनस सेंट्रल अमेरिका क्यों लिखा गया? तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये ट्रेन एक्चुअली ये जो पूरा कंसिस्ट था ना, ये पहले से ही इन एडवांस में ट्रेन सिम्युलेटर में था। तो सोच लिया जाए मालगाड़ी ऐड करनी है दोस्तों, और काफ़ी घाई घाई में मैंने दोस्तों इस एक्टिविटी को बनाया, इसलिए यार इंडियन ट्रेन ज़्यादा ऐड करने को मुझे नहीं आई। तो इन एडवांस में कंसिस्ट अवेलेबल थे मालगाड़ियों के, यानी कि इनके वैगन्स थे ऑलरेडी, तो डायरेक्टली मैंने ट्रैक पर इन्हें प्लेस कर दिया, लेकिन लोकोमोटिव इंडियन और कुछ वैगन्स मैंने इंडियन भी ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ही है। तो अभी इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये फ्लैट कार के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, ज़रा मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। मैं देखूँगा कि आप इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हो। और धीरे धीरे हम लोग जाएंगे इटारसी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और डीजल लोकोमोटिव WDP4D इटारसी शेड को ट्रेन के साथ कपल करेंगे। तो एकदम धीमे धीमे स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, हमें कोई घाई नहीं है, एकदम ऑन टाइम है हम लोग। और यहाँ पर एक घर के बाहर से हम लोग आए, घर के अंदर घुस गए थे थोड़ा सा, तो लेकिन फिर से वापस बाहर आए। और थोड़ा सा मैंने थ्रॉटल को और इंक्रीज़ किया है दोस्तों, ताकि स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज हो सके। एकदम धीमे धीमे जा रहे हैं, कोई घाई नहीं है हमें, क्योंकि पहले ही हम लोग स्टेशन आ गए थे 2-3 मिनट पहले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन टाइम डिपार्चर तो हमें करना ही है। तो डिपार्चर टाइम इटारसी जंक्शन से है इसका 8:30 पर, आसान शब्दों में कहने जाए तो 8:30 को ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होती है। और उसका नेक्स्ट हॉल्ट आता है होशंगाबाद स्टेशन, और होशंगाबाद स्टेशन ये ट्रेन पहुँचती है 8:48, ठीक है। 8:48 हम लोगों को पहुँचना है होशंगाबाद स्टेशन दोस्तों, और डिपार्ट करेंगे होशंगाबाद स्टेशन 8:50। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा होशंगाबाद स्टेशन पर, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे, ऑन टाइम पहुँचते हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसनसोल वैम 4 और गाज़ियाबाद का वैप 1 है दोस्तों, और वैप 1 P1 फॉन्टेड है दोस्तों, आपने देखा होगा पीछे, नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा पीछे लेके जाइए वीडियो को, यानी कि गेम प्ले को, और देख लीजिए। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारे चैनल के ग्रोथ की, तो दोस्तों ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दोस्तों हो चुके हैं चैनल पर, इसके लिए दोस्तों आपका मैं तहे दिल से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको मैं थैंक यू कहता हूँ दोस्तों। तो यार ऐसे ही एंड तक सपोर्ट करते रहो दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे कपलिंग कर रहे हैं WDP4D को अमरकंटक एक्सप्रेस के साथ। आपको मैं थोड़ा सा ऐसा क्लोज व्यू दिखाता हूँ, ताकि आपको और थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्पीड को करूँगा इंक्रीज़, मुझे थोड़ा सा एक एंगल सेट करने दो, ये बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं मतलब स्लो तो चलना ही, क्योंकि कपलिंग है, अगर ज़ोर से कपलिंग करेंगे तो यार गेट पर बैठे पैसेंजर्स ही गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और मैंने कई वीडियोज़ ऐसे देखे भी है जो रियल लाइफ वाले, कि लोको ऐसे इतना ज़ोर से दोस्तों कपल करता है ना, कि यार गेट पर बैठा वो बंदा तो नीचे ही गिर जाता है। आपको पता हो WDM2A था शायद, ऑरेंज कलर का एक वीडियो में मैंने देखा था, और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी एक सीन हुआ था वैप 7 का, संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जब वैप 7 कपल कर रहा था, तो इतना ज़ोर से दोस्तों कपल हुआ ना वो लोकोमोटिव, कि क्या बताऊँ अभी
मिला दोस्तों वीडियो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और वो देख लो वीडियो दोस्तों। और वेट करेंगे हम और 2 मिनट, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम दोस्तों हो चुका है, सिग्नल भी हमें ग्रीन मिल चुका है और यहाँ से हम लोग जर्नी करने वाले हैं ईएमडी से, ईएमडी यानी इटारसी WDP-4D के साथ दोस्तों। और मैं दोस्तों अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि यार WDP-4D चलाने का मौका मिल रहा है और बस कुछ ही सेकेंड्स है, बाद में एंड में हम लोग हॉर्न बजाएंगे और इटारसी जंक्शन से हम लोग डिपार्ट करेंगे क्योंकि हमें हमारा फर्स्ट हॉल्ट जो है होशंगाबाद स्टेशन, हमें वहाँ पर टाइम से पहुँचना है, तो डिले बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। और डिले करना किसको अच्छा लगता है ना। तो ऑलमोस्ट हो चुका है टाइम और यहाँ पर मैं बजा रहा हूँ हॉर्न यानी कि रिंग बेल। चलिए फर्स्ट ऑन और फिर से सेकेंडरी ऑन। चलिए चलिए चलिए, अभी थोड़ा सा मैं थ्रॉटल को इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा सा एकदम धीमा सा, और जैसे ही 30 हो जाते हैं आइडल 1। ओके, तो थ्रॉटल को मैंने दोस्तों और इंक्रीज़ किया है और इटारसी जंक्शन को हम लोग बाय बाय कह रहे हैं दोस्तों। सिग्नल ग्रीन से हो चुका है रेड और अभी धीरे धीरे एक एक लाइन शिफ्ट करके आराम आराम से हम लोग ज्वाइन करेंगे मेन लाइन। उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं WDP-4D का हाई स्पीड एक्शन दोस्तों। तो अभी से दोस्तों एकदम अच्छा सा सिनेरियो हम लोग देखने वाले हैं, आगे जाकर बहुत ही अच्छे अच्छे सिनेरियोस कवर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गेम प्ले को पूरा देखो, स्किप मत करो। और पहला ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फिर से यहाँ पर हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और यहाँ पर ट्रैक चेंज कर लिया हम लोग ने और आगे जाकर फिर से हम लोग करेंगे अपना ट्रैक चेंज हम लोग दोस्तों करने वाले क्योंकि जंक्शन है और जंक्शन पे तो बहुत सारे ट्रैक्स रहते ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हॉन्किंग भी करूँगा। और बहुत सारे दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि आप लोग कमेंट्स में बोल रहे थे भाई यार तुम गेम प्ले से डायरेक्ट ट्यूटोरियल वीडियो पर आ गए। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गेम प्ले तो आप देखते हो, आपके एंटरटेनमेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर से घर में घुस रहे तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, गेम प्ले से तो आपका एंटरटेनमेंट होता ही होता है, लेकिन ट्यूटोरियल वीडियो का एक बेनिफिट क्या होता है ना कि जो कोई फीचर रहता है, अगर हम बात करें ट्रेन सिम्युलेटर के, तो मैंने आपको वो फॉग वाला फीचर बताया था जो मतलब बहुत सारे लोगों को उस फीचर के बारे में पता ही नहीं था। कुछ लोग तो समझ रहे थे यार फॉग कैसे ऐड कर सकते हैं, यार फॉग ऐड करना इस गेम में तो जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर हम ट्राई करेंगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। और ऐसे ही दोस्तों मैं इन फीचर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और फिर मुझे अचानक से उस फीचर के बारे में पता चला, फेड इन फेड आउट वाला, जो कि हमें मज़ा यानी कि आनंद दिलाता है फॉग का। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉग को भी ऐड कर सकता था लेकिन नहीं ऐड किया। और डे जर्नी है दोस्तों और डे में ज़्यादातर फॉग आपको ऐसे टाइम पर नहीं मिलेगा, अगर आप सुबह अगर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पर हम लोग अगर ट्रेन चलाते थे तो तब शायद बात बनती थी फॉग की, लेकिन ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों मैं नए नए फीचर्स, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में आप तक हमेशा पहुंचाता रहता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं ट्राई कलर EMD WDP-4 के साथ और इसका हमने गेम प्ले किया था ऐसे मैंने पहले भी बताया। और वहाँ पर बगल में LHB ट्रेन और धीरे धीरे यहाँ पर भी हमने ग्रीन सिग्नल मिलते हुए थ्रॉटल को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, शायद थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। और फिर मैंने 2-3 ट्यूटोरियल और अपलोड किए थे दोस्तों, वो ट्रैक स्विच रिलेटेड, नेविगेशन के रिलेटेड, और नेविगेशन वाला फीचर दोस्तों भी इस गेम प्ले में ऐड कर सकता था लेकिन दोस्तों बहुत ही झंझट वाला काम है अगर आपको सच बताऊंगा ना। इस मामले में तो MSTS ठीक ही है क्योंकि इसमें दोस्तों आपको वही स्पेसिफिक आपको जंक्शन ऐड करना पड़ता है, बाद में आपको वो आइकन सेट करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वक्त दोस्तों यार बिल्कुल मिलता नहीं ये सब चीज़ें करने में, वक्त तो यार नॉर्मल सी एक्टिविटी बनाने भी नहीं मिलता है, अभी क्या बताऊँ दोस्तों आपको, क्योंकि सब लोग यार इतने अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, मैं भी खुद बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी होंगे जाहिर सी बात है। और टाइम का दोस्तों बहुत ही मतलब खैर बोल ही नहीं सकता अभी, ठीक है।
और मेरे ख्याल से वो ट्यूटोरियल यूट्यूब पर अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, और जब से मैंने अपलोड किया तो वो यूज़फुल ट्यूटोरियल है दोस्तों। और उस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। बहुत ही रेयर फीचर्स है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ। और अभी धीरे धीरे थ्रॉटल को मैं इंक्रीज़ करूँगा और हाई स्पीड एक्शन एंजॉय करेंगे WDP 4D के साथ। अच्छा हाई स्पीड लोकोमोटिव है दोस्तों इंडियन रेलवेज का, मतलब ये WDP 4D जो है ना, ये मतलब डीजल हुआ तो क्या हुआ, वैप 7 और वैप 5 के बराबर का पावर है इस लोकोमोटिव में। आपको अगर पता होगा तो बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस है, कोंकण रेलवेज में आप WDP 4D मतलब बहुत ट्रेनों के साथ आप देख सकते हैं, चाहे वो मडगांव मुंबई मडगांव मांडवी एक्सप्रेस हो या कोंकण कन्या एक्सप्रेस हो या फिर कोई भी राजधानी एक्सप्रेस हो, बहुत सारे ट्रेनों को ये WDP 4D हॉल करता है। और मतलब ये लोकोमोटिव इतना अच्छा है ना कि मतलब जितनी तारीफ़ की जाए इस लोकोमोटिव की उतनी कम है। और WDP 4D मतलब ये एक रिप्लेस करता है WDP 4B मॉडल्स, जैसे WDP 4B हो गया, WDP 4 या WDG 4 जो LHF मोड रहता है। तो हमने इस टॉपिक पर बहुत पहले भी डिस्कस किया है, WDG 4 WDP 4B इनका जो LHF मोड रहता है उसमें लोको पायलट को काफ़ी तकलीफ़ होता है ट्रैक्स को देखने में, स्पेशली जब रात का समय होता है तो डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों लोकोमोटिव को ड्राइव करने में। तो ऐसे समय पर WDP 4D ये काफ़ी अच्छा काम करते दोस्तों, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल लोकोमोटिव है इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो और अभी ये तो TLW ने भी लॉन्च किया है, इसलिए दोस्तों यार जैसे मैंने पहले बताया ये ट्रेन मेरे प्लान में इंक्लूड नहीं था, ये अचानक से मैंने इस पर गेम प्ले करना मैंने डिसाइड किया था। और धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं दोस्तों, थ्रॉटल को मैंने और इंक्रीज़ किया, स्पीड हो रही है 66 किलोमीटर पर आवर। और आपको रेक दिख सकता है, थोड़ा मैंने पीछे लेके गया था, और चलिए आपको वापस दिखा देता हूँ रेक, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं और कैसे हमारा रेक दिखा है। तो आपको जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो मिक्स्ड ICF उत्कृष्ट प्लस ICF ब्लू कोचेस है, ये मतलब क्या जुगाड़ है मुझे समझ में ही नहीं आता है। अगर आपको पता होगा तो यार कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और मतलब ICF उत्कृष्ट और नॉर्मल ICF ब्लू कोचेस की अगर हम बात करें तो ICF ब्लू में अंदर का जो इंटीरियर है उसमें कुछ टेक्सचर वेक्सचर नहीं रहता है, नॉर्मल सा रहता है। और बात करें इन उत्कृष्ट कोच की तो इनका जो इंटीरियर टेक्सचर जो है उसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे का SLR कोच काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर पीछे गार्ड जी के लिए वहाँ पर एक विंडो भी है, तो ये एक विस्टाडोम कोच वाला भी गार्ड साहब को एक फील दिला देता है। हालांकि विंडो बड़ा नहीं है पीछे का, लेकिन है विंडो और उसमें आप आनंद उठा सकते हैं जितना आपको आनंद उठाने का आपको मौका मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्लीपर क्लास के इंटीरियर में, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है दोस्तों लर्निंग वेस की तरफ से, रियलिस्टिक मॉडल्स इनकी खासियत है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉडल्स भी काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। और स्पीड अब MPS पर है हम लोग दोस्तों, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा और इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लोग फिर से मुलाकात कर रहे हैं WDM2 ट्विंस के साथ, जो हमने वैप 7 के साथ पहले भी की थी, और अभी इन्हें हम कहेंगे टाटा बाय बाय गुड बाय, कुछ भी आप कह सकते हैं, और करेंगे इनके साथ भी जर्नी एक दिन, एज मैंने पहले भी बताया रतलाम प्लस LKO WDM2 ट्विंस। और आप देख सकते हैं लास्ट वैप 7 के साथ हम लोग इस लाइन के साथ आए थे, आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों की वगैरह नॉइज़ आ रही होगी, मैं जानता हूँ दोस्तों, यार अभी क्या बताऊँ, कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड किया करो, इतना सुनने में नहीं आता लेकिन मुझे लगता है कि आपको सुनाई दे रहा है, तो प्लीज़ कभी कभी अवॉइड किया करो दोस्तों, क्या कर सकते हैं अब हम। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हम लोग 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, और सेकेंडरी हॉर्न कंटिन्यूसली मैं बजा रहा हूँ दोस्तों, और फर्स्ट हॉर्न भी। तो लोकोमोटिव में बेसिकली 2-3 हॉर्न तो होते ही है, अगर आपने रियल लाइफ कैब इंटीरियर की वीडियोस अगर देखे होंगे तो WDP 4 WDP 4B या अल्को लोकोमोटिव हो या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो, WCM 3 WAP 7 WAP 4 WAP 5 WAM 4 WAG 5 WAG 9 WDM 3D WDG 3A सब लोकोमोटिव में एटलीस्ट 2 हॉर्न तो रहते ही है, फर्स्ट हॉर्न और सेकेंडरी हॉर्न।
और फिलहाल आज हम सेकेंडरी हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक मज़ा दिलाता है दोस्तों। और आपको रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रा बताइए, ठीक है। और ऐसे ही स्पीड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को, जर्नी में जुड़े रहिए दोस्तों। और ये पार्ट वन है दोस्तों, होशंगाबाद स्टेशन तक, ठीक है। मैंने कुछ शायद और प्रोनाउंस किया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है हम लोग धीरे धीरे ग्रेडियंट अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कस्टम एचयूडी डिस्प्ले दोस्तों ऐड नहीं किया है, और कैप मोड और कस्टम एचयूडी डिस्प्ले अगर साथ में ही ऐड कर दूंगा तो वो मतलब वो स्क्रीन पूरा भर जाता है दोस्तों अदर डिटेल्स से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एनवायरनमेंट दोस्तों आप उतना एनवायरनमेंट का मज़ा उठा नहीं ले पा रहे। और यहाँ पर फिर से हम लोग ग्रीन सिग्नल स्किप करके आगे आ रहे हैं। तो वही दोस्तों मैंने कंसीडर करके आज मैंने वो कस्टम एचयूडी डिस्प्ले या फिर कैप मोड नहीं किया। कैप मोड का रीज़न मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि सेकेंडरी हॉर्न का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। और मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जर्नी जो मैं करता हूँ उसमें ज़्यादा हॉकिंग नहीं होती, तो मैं इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा हॉकिंग करने का अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। और उम्मीद है आपको हॉकिंग का मज़ा यानी कि आप आनंद उठा रहे होंगे। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए दोस्तों। और ये लाइन पूरी इलेक्ट्रीफाइड है, तो डीजल लोकोमोटिव भी है और इलेक्ट्रिक भी दौड़ता है। और आज का ये ईटी का WDP-4D हमारा ऑफ लिंक लोकोमोटिव है, ना कि रेगुलर लोकोमोटिव लिंक। रेगुलर लोकोमोटिव लिंक वैप 4 या फिर वैप 7 रहता है। चाहता तो दोस्तों मैं अल्को लोकोमोटिव भी यूज़ कर सकता था, लेकिन यार अल्को लोकोमोटिव में ऐसा है दोस्तों कि उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी आपको पता है कि यार मैं इतना अल्को लोकोमोटिव में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर अल्को लोकोमोटिव का कोई बड़ा फ़ैन होगा तो मैं यहाँ पर किसी को दोस्तों डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो पूरा बिल्कुल मत मानना दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पर अल्को लोकोमोटिव की अगर यहाँ पर कुछ बुरी बात करूँगा तो एनीवे सारे अच्छे लोकोमोटिव है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई बकवास लोकोमोटिव है या फिर EMD या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी अच्छा है। ठीक है, सब लोकोमोटिव अच्छे हैं, लेकिन हर एक की एक पसंद रहती है। वैसे ही मेरी पसंद है या फिर आपकी पसंद होगी। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन शिफ्ट होकर इटारसी वाली लाइन पर ज्वाइन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों एक स्टेशन स्किप कर रहे हैं, देख लेते हैं स्टेशन का नाम क्या है दोस्तों। और आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया तब से दोस्तों एनवायरनमेंट एकदम रियलिस्टिक है, बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है, पूरा लैग फ्री रूट है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रूट को ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टेशन जो स्किप कर रहे हैं, स्टेशन का नाम है पावरखेड़ा। और यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन भी है, उत्कृष्ट तरीके दोस्तों, उसका यहाँ पर शायद हॉल्ट है। पैसेंजर ट्रेन है, यस पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों, छोटी सी ट्रेन थी 8 या 9 कोचेस के साथ में, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। और यहाँ पर दोस्तों अच्छे खासे 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम लोग पावरखेड़ा स्टेशन स्किप कर रहे हैं। और कुछ ही समय में हम लोग हमारे इस पार्ट वन के डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। स्टेशन का नाम है होशंगाबाद स्टेशन और स्टेशन का कोड है HBD। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि यार HBD क्या है यार, स्टेशन का कोड HBD कैसे हो सकते हैं। तो है यार दोस्तों HBD, मैं जानता हूँ आप बोलेंगे कि HBD मतलब यार हैप्पी बर्थडे, ऐसा ही कुछ लोग अभी बोलेंगे कमेंट्स में। तो हैप्पी बर्थडे नहीं है दोस्तों, बल्कि HBD यानी होशंगाबाद स्टेशन कोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रथम वातानुकूलित कोच के इंटीरियर में हम लोग घुस चुके हैं। और कितना अच्छा इंटीरियर आप देख सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक मॉडल से दोस्तों। और ICF नॉर्मल फर्स्ट AC और उत्कृष्ट से अगर हम कंपेयर करें तो उत्कृष्ट का जो फर्स्ट AC का यहाँ पर जो कोच है काफ़ी अच्छा है दोस्तों, एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग रियलिटी में ही यहाँ पर फर्स्ट AC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस कोच को फर्स्ट AC नहीं रहता है, HA1 रहता है, यानी कि फर्स्ट AC कम टू टायर, ठीक है HA1। और आप देख सकते हैं कितने मस्त इंटीरियर दोस्तों द लर्निंग वेज की तरफ से, और एक ऑफिशियल कैब व्यू इंटीरियर अब मैं द लर्निंग वेज से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप सो वो लोग जल्दी इसमें इन कोचेस में कैब इंटीरियर डालेंगे, कैब इंटीरियर यानी कोच इंटीरियर डोर व्यू के साथ। हालांकि उनके 5-स्टार+ सीरीज़ में ये सारे फीचर्स आने वाले, जो क्लासिक कैरेजेस जो है पुराने ज़माने के जो 90s में दोस्तों कोचेस यूज होते थे ब्राउन कलर के, बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनों में वो कोचेस है। और कभी करेंगे जर्नी पुराने स्टाइल में भी,
और यहाँ पर तो इंडियन रेलवेज़ में अभी नए नए कोचेस तो अपग्रेड होते जा रहे हैं, चाहे वो अनुभूति कोच हो या विस्टाडोम कोच हो। बहुत सारी ट्रेन अभी ICF से LHB में कन्वर्ट की जा रही है, तो ये इंडियन रेलवेज़ का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलते रहता हूँ कि LHB कोचेस जो है वो ICF से कंपेयर करें तो काफ़ी यूज़फुल है, तो स्पीड की बात हो या सेफ्टी की बात हो सब में LHB कोचेस तो आते ही आते हैं नंबर वन पे, ठीक है। और ICF कोचेस का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 या फिर 120 आसपास रहता है, और बात करें LHB की तो 150-160 गतिमान एक्सप्रेस तो आपको पता ही है, गतिमान एक्सप्रेस हो या चाहे और कौन सी भी आप ट्रेन कंसिडर कर लो, भोपाल शताब्दी हो, ठीक है, वो भी एक फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस है दोस्तों। और कभी रूट अवेलेबल होता है तो वहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ज़रूर से जर्नी करेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं EMD एकदम हाई स्पीड में जा रहा है हॉन्किंग करते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। और मज़ा क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, वो है सेकेंडरी हॉर्न की वजह से। जो सेकेंडरी हॉर्न जो है ना उसमें मतलब यार आज मुझे काफ़ी मज़ा है। और आपको सेकेंडरी हॉर्न अच्छा लगा कि नहीं मुझे ज़रा कमेंट्स में दोस्तों बताइए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दोस्तों स्पीड कम कर दी है क्योंकि अब हम स्टेशन अप्रोच करने वाले हैं, वो है होशंगाबाद स्टेशन। तो जो हमारा दोस्तों हाई स्पीड एक्शन था इतना EMD WDP 4D के साथ, वो अभी कुछ ही समय में ख़त्म होता है। कुछ ही समय मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि हम लोग स्टेशन अप्रोच करें तो स्पीड कम करना तो बनता ही है ना। तो हाई स्पीड में अगर हम लोग स्टेशन एंटर करेंगे तो फिर तो दिक्कत में आ सकते हैं ना दोस्तों, है ना। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर रहे हैं ट्रैक चेंज, आप देख सकते हैं EMD ने ट्रैक चेंज कर लिया लूप लाइन पर। लूप लाइन जहाँ पर है हमारा होशंगाबाद स्टेशन, स्टेशन कोड HBD, फिर से दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ अगर यहाँ पर कुछ लोग अगर स्किप करके आए होंगे तो। और मेरा दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा एक ट्राई रहता है कि इन वीडियोस में से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिले, आपको नए नए जगहों का आपको नाम पता चले, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा यही ट्राई रहता है। साथ साथ एंटरटेनमेंट तो हम लोग करते ही रहते हैं। और ज़रूर से बताइए दोस्तों कि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं कि नहीं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, trainsingaming.official नाम है, लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर रिलेटेड टू हमारे चैनल रेगुलरली दोस्तों देता रहता हूँ, तो एक बार विजिट कीजिए। आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड और इंक्रीज़ की है दोस्तों, तो धीरे धीरे अभी हम लोग स्टेशन एंटर करेंगे दोस्तों। और होशंगाबाद स्टेशन एंटर करते ही वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बगल वाले प्लेटफॉर्म पर लूप लाइन पर एक ट्रेन खड़ी हुई है WAP-7 के साथ है, WAP-7 P7 फॉन्टेड है, शायद गाज़ियाबाद का P7 था। और शेड्यूल के मुताबिक शायद ये कमायनी एक्सप्रेस है, कमायनी एक्सप्रेस जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाती है। हमारी इस ट्रेन के साथ एक और बार क्रॉसिंग हुई थी जब हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस से इगतपुरी तक हम लोग जिसने जर्नी किए वो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस इलाहाबाद दुरंतो एक्सप्रेस, जहां हमने लोकमान्य तिलक टर्मिनस के आउटर पर इस ट्रेन के साथ थोड़ा सा क्रैश किया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो। वो सीन काफ़ी भयानक था दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं होशंगाबाद स्टेशन, स्टेशन कोड HBD, और आप देख सकते हैं स्टेशन है कुछ इस प्रकार। अब रही बात दोस्तों एक चीज़ की, वीडियो दोस्तों बहुत दिनों बाद आ रहा है, वीडियो यानी कि आज का ये गेम प्ले अमरकंटक एक्सप्रेस का। तो जैसे मैंने पहले बोला, बहुत दिनों से दोस्तों मैं टोटल वीडियोज़ और कुछ शॉर्ट्स ही ज़्यादा तक अपलोड कर रहा था, क्योंकि टाइम ही दोस्तों इतना कम मिल रहा था इसकी वजह से। तो इसके लिए प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों अच्छा लगा कि नहीं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पर होशंगाबाद स्टेशन एकदम ऑन टाइम, ठीक है। और आने का टाइम है दोस्तों हमारा यहाँ पर 8:48, और यहाँ पर है हमारा 2 मिनट का हॉल्ट दोस्तों, ठीक है। और स्टेशन पर ट्रेन सक्सेसफुली दोस्तों फिट हो चुकी है, और अभी लगता है वहाँ से वो WAP-7 डिपार्ट हो रहा है, उसकी आगे की जर्नी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो जाएगा, उसकी जर्नी कंटिन्यू करेगा। हमारा यहाँ पर दोस्तों Part 1 एंड होएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारी एक और सक्सेसफुल जर्नी एंड होती है। और आप देख सकते हैं ये LHB ट्रेन शेड्यूल के मुताबिक ये कमायनी एक्सप्रेस है, और रहेगी कौन सी एक्सप्रेस, तो अगर कमायनी एक्सप्रेस नहीं भी रहेगी तो। और आप देख सकते हैं होशंगाबाद स्टेशन और हमारा इटारसी का WDP 4D सिग्नल ऑलरेडी दोस्तों येलो मिल चुका है, ठीक है। और
ये पार्ट वन है दोस्तों, एज मैंने पहले ही बताया। और यहाँ से अब हम जर्नी करेंगे उबैदुल्लागंज तक, जो पार्ट टू में आपको देखने को मिलेगा। वही लोको रहेगा, वही ट्रेन रहेगा, ऑफकोर्स वही ट्रेन रहेगा, ट्रेन नंबर 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गेम प्ले को कर दिया है पॉज, और इसी समय पर इसी स्टेशन से हम लोग करेंगे डिपार्ट होशंगाबाद स्टेशन, स्टेशन कोड HBD, और मिलेंगे आपसे पार्ट टू में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, और अपना ध्यान रखिए।